हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेवरी। आज मैं पाइनएप्पल सिरा बनाऊंगी। पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। आप इसे प्रसाद में भी चढ़ा सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली हूँ। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी अच्छी तरह से गरम होने के बाद इसमें डालेंगे बादाम 2 चम्मच। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। 2 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच किशमिश। ड्राई फ्रूट्स को आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। मैं काजू नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी अच्छी तरह से भून गया है। चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। अब सेम कढ़ाई में 1 कप रावा डालेंगे। अब रावा को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। देख सकते हैं रावा भी हल्का गोल्डन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब और एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप पाइनएप्पल को पूरे छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे भुने हुए अभी 4 मिनट हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप शक्कर और इसे चम्मच को चलाते रहते हैं जब तक शक्कर मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 2 कप पानी। चुटकी भर केसर, इसे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब इसे एक बार मिला लेते हैं। चलिए अब इसे ढक देते हैं और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम पकाएंगे। इसे पकाए हुए अभी 7 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप पाइनएप्पल प्यूरी। एक चम्मच इलायची का पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब जो हम रावा को भून के रखे थे उसको डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे शक्कर 1/4 कप, जो ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट करके रखे थे उसको डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मैं ये प्रसाद चढ़ाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही हूँ।
अगर आप ऐसे ही खाने के लिए बनाएंगे तो इसमें चुटकी भर नमक डाल सकते हैं। बस ये अच्छी तरह से मिल गया है और हमारा पाइनएप्पल सिरा बिल्कुल तैयार है। इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और मेरे साथ आपका फीडबैक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।